अच्छा से पढ़ाओ, ठीक है, और अच्छा से मतलब पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, ठीक है। क्या भैया, छुट्टी बच्चों की तरह समझाते रहते हैं, मैं छुट्टी चली गया। अब एग्जाम है तो अच्छा से प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना, और अच्छा से एग्जाम दे जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर, सलाम है, तो चलते हैं ना। नहीं भैया, मैं पास हो जाता हूँ, मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। मेरे भाई को बदल दे, प्रभु मेरे भाई को बदल दे। अरे यार, अब तो पुलिस चला है, लेट भी हो रहा है। माय गॉड, अरे यार मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 6-6 नंबर का पढ़ा था, याद ही नहीं आ रहा। एग्जाम हो गया, टाइम भी हो गया। बस रिजल्ट भी निकल गया और मैं फेल हो गया। भैया को मैं क्या बोलूँगा? भैया बोल रहे थे प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना भी मैंने किया। उससे अगर भैया प्रार्थना बुक करने बोले, उसने प्रार्थना किया था, शायद मैं पास हो जाता। छोटू, भैया रिजल्ट निकला, मैं फेल हो गया। अरे कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक बात बताते, ठीक है? तुम बुरे लोगों के साथ मत रहना, ठीक ना? तुम अच्छे लोगों के साथ रहना, अब तक तुम अच्छे सीखोगे, ठीक है? और वचन में कहता है, जो अच्छाई करेगा उससे परमेश्वर अच्छाई से व्यवहार करेगा, ठीक ना? तो अच्छा से तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है?